Yeah, even last time I had forgotten. Yeah, thank you. It's so value, so very much important. वाह, गर्जना हो रही है. सो जब हम हमारा सब कुछ हम बोलते हैं कि यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड, होता क्या है जब ये यू आर माई वर्ल्ड हम करते हैं, तब हमारा इतना सारा समय, इतना सारा एनर्जीज हम उनके लिए देते हैं कि हमारा खुद पे ध्यान ही नहीं रहता. मुझे याद है जब मेरा बच्चा छोटा था, स्कूल में था, टीनेजर था, बस पूरा समय ट्यूशन गया कि नहीं, ट्यूशन का होमवर्क किया कि नहीं, इधर गया कि नहीं, ये प्रोजेक्ट सबमिट किया कि नहीं, एग्जाम कब आ रही है, एग्जाम का कभी देना है, पूरा समय. जो एक माँ है, ज्यादा करके माँ ज्यादा इन्वॉल्व रहती है ये सारी चीजों में, और पूरा समय सिर्फ वहीं पे हमारा लक्ष्य है. बिकॉज वी हैव इन अवर माइंड, वी हैव मेड दैट डेफिनेशन दैट माई चिल्ड्रन आर माई वर्ल्ड, ये मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है. तो जब हम हमारे सारा जीवन का जो भार है, जीवन का जो समय, जो शक्ति, जो है हमारे अंदर की कौशल्य, उसमें पूरा समय हम बाहर वालों के लिए जब दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, जब वही बच्चे बड़े हो जाए या वही बच्चे हमारा सुनेंगे नहीं, हमारे हम जो बोलेंगे उसके कुछ अलग ही करेंगे, विपरीत ही कुछ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें लगेंगे मैं इतना कुछ मेरे बच्चे को दे रही हूँ और मेरे बच्चे देखो सुनते ही नहीं, अपने ही मनमानी करते रहते हैं, मेरे बच्चे मेरे लिए दुनिया है और वो अपने ही मनमानी करते रहते हैं. और इसी तरह से इवन कई बार हम बोलते हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, यू मेक मी कंप्लीट, यू मेक मी कंप्लीट. व्हाट डज दैट मीन, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, तुम ही मेरे सब कुछ हो, जब तुम मेरे साथ हो तभी मैं संपूर्ण हूं. इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग अवर पावर्स टू द आउटसाइड पर्सन. नो मैटर कितना भी आप उसके प्यार में पागल हो, नो मैटर आपको अपने आशिक से, अपने लवर से, अपने लाइफ पार्टनर से कितना भी प्यार हो, लेकिन जब हम वो कहना शुरू कर देते हैं कि यू मेक मी कंप्लीट, वी आर बिकमिंग टू मच डिपेंडेंट ऑन दैट रिलेशनशिप. क्योंकि उसके बिना जब उसकी प्रेजेंस नहीं रहती है तो क्या हो जाता है, वहां बस एक सन्नाटा छा जाता है, एक वॉइड सा अंदर से आ जाता है, अंदर से एक खालीपन लगना ही लेता है, क्योंकि वी आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन दैट अदर पर्सन टू मेक अस फील कंप्लीट, टू मेक अस फील फुलफिल्ड. तो सामने वाले पे हम हमारी बागडोर दे देते हैं, हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल जो है वो सामने वाले पे दे रहे हैं. सो दीज आर द थ्री स्टेटमेंट्स विच आर रियली मेकिंग अस एक्चुअली क्रिपल्ड एंड हैंडीकैप्ड. यू आई नीड यू, यू मेक मी कंप्लीट, यू आर माई वर्ल्ड. और ये प्यार की भाषा में तो हम बोलते ही रहते हैं ना, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड. और यहाँ पे जब इस हमारी खुशियां उनके ऊपर निर्भर हो जाती है, कई बार तो हमारा अस्तित्व उनके ऊपर निर्भर हो जाता है कि मैं एक अच्छी माँ बनूंगी तो ही श्रेया सही है, मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी तभी श्रेया सही है, मैं एक अच्छी लवर बनूंगी और मेरे लवर को खुश रखूंगी तभी ये श्रेया सही है. सो ऑल द टाइम व्हाट आर वी डूइंग इज अवर फोकस इज टू कीप अदर्स हैप्पी, अवर फोकस इज टू, हमारा पूरा पूरा ध्यान उस पे रहते हैं कि कैसे बाहर वाले खुश रहे, कैसे बाहर वाले सुरक्षित रहे, कैसे बाहर वाले को मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकूं. एंड विद द रिजल्ट हम करते क्या है, समझो आपको बैठ के मेडिटेशन करना है और आपके पति आके बोलते हैं चलो मुझे चाय बना के दे दो, मुझे चाय बहुत पीनी है, गरम गरम चाय, बारिश हो रही है चाय पीनी है, और आप बोल रहे हैं इतना अच्छा वातावरण है कि मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं शांति से इस वेदर को एंजॉय करूं, अपने भीतर जाऊं. लेकिन कई बार हम हमारी जो इच्छाएं हैं उसको साइड पे रख के चाय बनाने चले जाएंगे, हम वो नहीं कहेंगे कि आज चाय एक दिन आप भी बना लो, या हम वो नहीं कहेंगे कि क्या 5-10 मिनट के बाद मैं बना सकती हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे, इमीडिएटली अपनी इच्छा को साइड पे रख के हम पहले भागेंगे कि चाय बनानी है क्योंकि पति को चाय चाहिए. और उसी तरह से वाइस वर्सा, इट्स नॉट ओनली फॉर, दिस इज नॉट ओनली फॉर फीमेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इट हैपेंस इज वाइस वर्सा. कई बार बच्चों को मन है कि रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं,
और आपको मन है कहीं और कुछ करने का, और कई बार आप उसमें भी सेक्रीफाइस करते रहते हो। हम सबको खुश रखने में और प्यार को बरकरार रखने में और घर की शांति रखने में अपने आप को बलिदान करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं के बलिदान करते रहते हैं। एंड देन वी फील दैट बिकॉज आई एक अपने भीतर एक मान्यता बस गई है कि जब मैं सबके लिए कुछ करूंगी तभी जाके मेरी जिंदगी सार्थक है। ये एक डेफिनेशन हमने अपने लिए बना दी है। सो विद द रिजल्ट हम हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी पे रहता है कि कैसे सबको खुश रखा जाए, और स्पेशली इन लव रिलेशनशिप्स, कि जहां पर आप यंग हो, जस्ट कॉलेज से बाहर निकले हो, आप किसी के प्रेम में हो, वहां पर तो यू जस्ट वॉन्ट टू उस पर पूरा न्योछावर कर देते हो। ओ अच्छा, उसको पीला कलर बहुत पसंद है तो आप सारे पीले कलर के ड्रेस खरीद लोगे। ओ अच्छा, मेरे गर्लफ्रेंड को ये पसंद है तो आप सारी वही चीजें करने लगोगे। शायद वो आपको नहीं पसंद हो, फिर भी उसको खुश रखने के लिए आप पूरा अपना जान न्योछावर कर देते हैं। सो एट द एंड व्हाट आर वी डूइंग? एट द एंड वी आर सेक्रीफाइसिंग अवर सोल। अपने भीतर की आवाज जो है ना, वो भीतर की आवाज को हम ताला लगा के बंद कर रहे हैं। विद द रिजल्ट हम एवरी टाइम व्हेन वी आर सेक्रीफाइसिंग, वी आर गिविंग अवे द पार्ट ऑफ अवर सेल्फ, वी आर गिविंग अवे द पार्ट ऑफ अवर सेल्फ। एंड दैट इज नॉट ओरिजिनल यू, बिकॉज विद इन यू देर इज समथिंग एल्स, विद इन यू यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। बट हम क्या कर रहे हैं, वी थिंक दैट कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस इज द ओनली लव लैंग्वेज, एंड with the result we divorce with our own self, we divorce with our own self, you divorce you. क्यों? क्योंकि प्यार चाहिए बाहर से, प्यार की भूख है बाहर से, बाहर से चाहिए हमें वैलिडेशन कि कोई तो मुझे बोले कि वाह श्रेया तू क्या माँ है, वाह क्या बढ़िया माँ है, कोई तो मुझे बोले कि वाह क्या पत्नी है तू। बाहर से ये जो वैलिडेशन की जो भूख है, बाहर से ये जो प्यार की हमें भूख है, और जिसकी वजह से हम सब कुछ बलिदान करने को तैयार है। यू नो मुझे क्या लगता है, कई बार जब मैं क्लाइंट्स की स्टोरीज सुनती हूँ तो मुझे क्या लगता है अंदर से, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम एक कटोरा लेके घूम रहे हैं, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे 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 प्यार दे 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 प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे मुझे प्यार दे 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 प्यार दे मुझे प्यार दे। यू नो इस तरह से हम कटोरा लेके सबके पास प्यार की भूख मांग रहे, भीख मांग रहे लिटरली। और यू नो और एक गाना मुझे याद आ रहा है, वो गाना का क्या था, प्यार 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 चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। एंड कॉन्स्टेंटली वी आर जस्ट सीकिंग लव फ्रॉम आउटसाइड, कि कोई बाहर वाला, मेरा पति मुझे प्यार देगा, मेरी पत्नी मुझे प्यार देंगे, मेरे बच्चे मुझे प्यार देगा, मेरा आशिक मुझे प्यार देगा, और सिर्फ हम बाहर वालों से प्यार की भूख भीख मांगते रहते हैं कि दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, बस अभी ये कटोरा लेना बाकी है, ये कटोरा लेके हम घूमे कि दे दे प्यार दे प्यार दे मुझे प्यार दे मुझे प्यार दे मुझे प्यार दे, इस तरह से हम घूमते रहते हैं। बट लिटरली वी ऑल आर डूइंग दिस। सो व्हाट इज द वे आउट? Do you think that जब आप अपने आप के साथ डिवोर्स लेंगे, जब आप अपनी इच्छाओं का बलिदान करोगे, आप अपने भीतर की जो है, अंदर की जो आवाज है उसको ना सुनते हुए सिर्फ बाहर की तरफ, आपका पूरा ध्यान बाहर की तरफ है, और आपने अपने आप के साथ डिवोर्स ले लिया है, यू डिवोर्स यू, डू यू थिंक दैट यू विल बी हैप्पी? विल यू बी इन अलाइनमेंट विद द सोर्स एनर्जी? नो एंड नेवर। We will never be in alignment with source energy. क्योंकि भीतर कुछ और बोल रहा है और हम फील कुछ और कर रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। आप ही सोचो कितनी बार आपकी ये सारी चीजें अलाइनमेंट में है, जहां पर अलाइनमेंट मीनिंग क्या, मैं जो बोल रही हूं, मैं जो महसूस कर रही हूं,
और मेरे अंदर की जो आवाज है वो मुझे कुछ बता रही है। जब ये तीनों एक ही तरह से एक ही गाड़ी में एक ही पटरी पे चलते हैं उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमारे अंदर हम अंदर से आवाज कुछ और आ रही है, बाहर से हम बता कुछ और रहे हैं, तो हमारे मन में कुछ और चल रहा है। ये तीनों अलाइनमेंट में ही नहीं। देखो आप जब गाड़ी चलाते हो और गाड़ी के टेस्ट लेते हो तो यू नो वो लोग टेस्ट में हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, चारों व्हील अलाइनमेंट में है कि नहीं। सोचो कि एक व्हील एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक व्हील दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या गाड़ी ठीक से चल पाएगी? आप लेफ्ट लेना जाओगे गाड़ी राइट लेगी, राइट लेना जाओगे गाड़ी लेफ्ट लेगी। हम हमारा अलाइनमेंट ही नहीं है तो गाड़ी पटरी पे चलेगी कैसे? सो द ट्रूथ इज दैट वी हैव टू बी इन अलाइनमेंट विथ आवर सेल्फ। यू नो इट इज लाइक यू नो अगर हम अलाइनमेंट में नहीं है तो क्या हो जाता है बताए? जिसके भी पास गाड़ी होगी उनको सबको पता होगा, गाड़ी को बार बार सर्विसिंग में लेना पड़ता है, बार बार रिपेयर में जाना, गैराज में जानी पड़ती है भाई गाड़ी को। एवरी नाउ एंड देन वो गाड़ी को रिपेयरिंग में और गैराज में भेजना पड़ता है, सर्विसिंग में बार बार भेजना पड़ता है। और फिर हम क्या कहते हैं पता है, अभी ये जो गाड़ी है ना एक बोझ बन गई है। पहले ये गाड़ी ली थी बहुत मजे आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मजे किए हमने इस गाड़ी में, लेकिन अभी जो है ना ये गाड़ी बोझ बन चुकी है। और कितने लोग यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप को बोझ समझ रहे, कि पहले तो बहुत मजे आती थी और बहुत अच्छा लगता था, जब मैं नई नई माँ बनी थी बहुत अच्छा लगता था, नए नए प्रेम में हम डूबे थे बहुत अच्छा लगता था, नई नई शादी हुई थी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी ना अभी तो सब कुछ बोझ बनने लगा है, बोझ बन चुका है। और बहुत सारे लोग ये फील करते हैं, बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं। सो व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज जब आपने वो डर से आपने अब तक जिंदगी बिताई कि जहां पे मैं अगर उनको खुश नहीं रखूंगी तो क्या डर था, जैसे मोहसिना ने बीच में ही कहा कि आई हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन एंड दैट इज व्हाट वी ऑल हैव फियर्स। हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं देगा, हमें लगता है कि हमें रिजेक्ट किया जाएगा, हमारी रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, और उसकी वजह से हम इतना सारा बलिदान दे रहे हैं। बट व्हाट एनर्जीज डिड यू सेंड? प्यार के नाम पे आपने यूनिवर्स में ब्रह्मांड में कौन सी एनर्जीज भेजी? फियर्स की। ये सारी चीजें आपने की वो द बॉटम लाइन द अंडर करंट इज फियर्स। आउट ऑफ फियर मोस्ट ऑफन वी डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज द फेज अ फियर ऑफ रिजेक्शन। मुझे कोई छोड़ देगा तो, और एक दिन ऐसा आता है कि सचमुच वो छोड़ के चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि सचमुच अपने बच्चे भी हमें छोड़ के चले जाते, बिकॉज दे फील सफोकेटेड एंड वो भी हमें छोड़ के चले जाते। एक दिन ऐसा आता है कि हमारा पति या पत्नी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि हमारा आशिक हमें छोड़ के चले जाता है और हम पूरे टूट जाते हैं, जैसे कि हमारे जमीन हमारे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। एंड वी गेट शैटर्ड सो मच। सो नाउ टेल मी हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम दूसरों को ब्लेम करें, बच्चों को ब्लेम करें, पति या पत्नी को ब्लेम करें, आशिक को ब्लेम करें, किसको ब्लेम करें? और क्या ब्लेम करने से बात बनने वाली है? बिल्कुल नहीं। ब्लेम गेम ने तो कभी किसी की बात नहीं बनी है। इनफैक्ट जितना आप ज्यादा दूसरों को ब्लेम करते रहोगे आप अपने पावर्स देते रहोगे, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू आर ब्लेमिंग दैट इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, यूनिवर्स सोचता है कि ओ इसको यही चाहिए, श्रेया को चाहिए कि वो वही विक्टिम मोड में रहे और दूसरे लोग उसके ऊपर वो गुलाम बने और दूसरे लोग उसके ऊपर पूरी दादागिरी करें। सो हम वही एनर्जीज भेज रहे हैं। व्हेन वी आर इनटू ब्लेम गेम वी कंप्लीटली लूज अवर पावर्स, वी लूज हमारे पावर्स पूरे हम दूसरों के हाथ में दे देते रिमोट कंट्रोल। अगर हम खुद को भी ब्लेम करें तो क्या कर रहे हैं हम? कंप्लेन कर रहे हैं हमारे जीवन से, अपने आप से। कौन सी एनर्जीज वापस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं शिकायत की एनर्जीज। तो यूनिवर्स क्या देगा? जैसे हमने बोला था ना, बहुत हमने पता है एक गाना याद किया था, याद है आप लोगों को? बहुत समय पहले हमने एक गाना याद किया था,
वॉट एवर आई थिंक, वॉट एवर आई स्पीक, यूनिवर्स सेज तथास्तु तथास्तु, इजंट इट? यस, तदास्तु। लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वॉट एवर आई थिंक, वॉट एवर आई फील, यूनिवर्स सेज तथास्तु तथास्तु. वॉट एवर आई थिंक, वॉट एवर आई स्पीक, यूनिवर्स सेज तथास्तु तथास्तु. वॉट एवर आई थिंक, वॉट एवर आई बिलीव, यूनिवर्स सेज तथास्तु तथास्तु. तो बस यूनिवर्स का तो काम ही वही है कि आप जो एनर्जीज भेजोगे आपको लॉटरी में मिलती जाएगी. लॉटरी लगी है बस यूनिवर्स के पास. तो आपकी लॉटरी, आप कौन सा नंबर निकालते हो उसके ऊपर है ना. आपका नंबर ही गलत लगा रहे हो तो यूनिवर्स क्या करें. सो उसी तरह से हम अगर इसी 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 पहिए पे चलते रहेंगे तो गड़बड़ तो होनी है. सो नाउ देयर कम्स सेल्फ लव. एंड वॉट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव इज, जैसे लुईस हे कहती हैं कि ये सारे ड्रामा ट्रामा में वन थिंग हम सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़ करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हु आई एम, मैं कौन हूं. मेरी खुद की पहचान, मेरी मेरे आत्मा के साथ मेरी जो खुद की पहचान है वही मैं भूल जाती हूँ. एंड वेन वी लूज दैट आइडेंटिटी, वेन वी लूज हमारी ये पहचान को जब हम भूल जाते हैं, एंड देन एवरीथिंग, वेन दैट डिस्कनेक्ट, वेन देर इज अ डिस्कनेक्शन इन साइड, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. एंड एट द सेम टाइम लुईस सेड दैट योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ सेट्स द टोन ऑफ योर वर्ल्ड. योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ सेट्स द टोन ऑफ योर वर्ल्ड. आपकी दुनिया किस पे निर्भर है? आपकी दुनिया और आपके हर एक रिश्ते, आपके हर एक रिश्ते, वो रिश्ता आपके शरीर के साथ हो, वो रिश्ता आपके पैसों के साथ हो, वह रिश्ता आपके लोगों के साथ हो, आपकी किसी के भी साथ जो रिलेशनशिप है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप विथ योर ओन सेल्फ. मेरी मेरे खुद के साथ की रिलेशनशिप क्या है और वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वहां पे गहराई में डूबना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है. क्या मैं दूसरों पे ही डिपेंड रहना चाहूंगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि? यस, बट मेरी दृष्टि मतलब मेरे भीतर की दृष्टि, जो जैसे शंकर का जो थोड़ा ही है वैसे मेरे भीतर मुझे देखना है. बाहर से मैं दुनिया को देखूंगी वो अलग बात है, लेकिन मेरे भीतर तो मैंने देखा ही नहीं है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है. सो व्हेन माय फोकस शिफ्ट्स इनसाइड, दैट व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू बी विथ माय सेल्फ, व्हाट इज इट दैट माय सोल, मेरे अंदर की अंतरात्मा क्या चाहती है, उसके ऊपर हम कभी गौर ही नहीं फरमाते. सो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा गाना याद आया, थैंक्स टू माय हस्बैंड एंड ही गिव मी दिस ब्यूटीफुल जिंगल, एंड वी आर ऑल गोइंग टू सिंग दैट जिंगल, यू नो. एंड व्हाट इज दैट सिंग जिंगल? आप लोगों ने, सब लोगों ने लाइफ बॉय के जिंगल सुने ही होंगे ज्यादा करके. जो यंग जनरेशन का होगा शायद उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने मेरे बचपन में बहुत सुना है. और यहाँ पर हम गा रहे हैं ये गाना, तंदुरुस्ती. आपने सुना था तंदुरुस्ती की रक्षा? तो यहां पर हम बोलेंगे मन दुरुस्ती की. तंदुरुस्ती मन दुरुस्ती की, मन दुरुस्ती की रक्षा करता है सेल्फ लव. सेल्फ लव है जहां खुशियां है वहां. सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव. सो लेट्स सिंग ऑल ऑफ अस, लेट्स सिंग कि मन दुरुस्ती की रक्षा करता है सेल्फ लव. सेल्फ लव है जहाँ खुशियां है वहां. सेल्फ लव खुशियां है वहां. सेल्फ लव, सेल्फ लव. जब हम अपने आप से प्यार करना लगते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि इस बाहर तो कोई दुनिया है ही नहीं. जो हमारे जो रिश्ते हैं, इट इज जस्ट द मिरर्स, जो आईने हैं, दर्पण है बाहर के लोग. इट इज जस्ट इट्स अवर रिफ्लेक्शन इन दैट मिरर. सो वो सारे बंदे तो हमें कहने आ रहे हैं कि ए श्रेया, तू देख, चला तेरे भीतर जाके तो देख, तू क्या सोच रही है, तू क्या महसूस कर रही है, तू सोच तो जरा, देख तो जरा. तो
ये सारी जो रिश्ते हैं हमारे, वो हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम कैसे अपने भीतर जाएं और भीतर जाके अपने साथ एक अपना गहरा रिश्ता बनाएं। और वो रिश्ता जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, और इवन जीवन के समाप्ति के बाद भी वो रिश्ता जरूर हमारे साथ आएगा। पति साथ में नहीं आने वाले, बच्चे साथ में नहीं आने वाले, कोई साथ में, धन संपत्ति साथ में नहीं आने वाली, लेकिन वो रिश्ता। लुईस कहती है कि द कैपेसिटी टू लव योर सेल्फ इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर योर फर्दर जर्नी। द कैपेसिटी टू लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करने की जो कैपेसिटी है आपकी, और हमें, हमारा लक्ष्य है रोज इसको बढ़ाते जाने का, रोज इसको बढ़ाते जाने का। अपने आप को साथ प्रेम करने की, टू फॉलिंग इन लव विथ आवर सेल्फ, जब हम अपने आप के साथ प्रेम करते हैं ना, वी फील सो एम्पावर्ड, वी फील सो एम्पावर्ड दैट ऑटोमेटिकली बाहर भी हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे मिरर्स बनेंगे। बाहर के लोग भी ऐसे ही आएंगे जो हमें ढेर सारा प्यार देंगे, ढेर सारा सपोर्ट करेंगे। वापस गाएंगे, मन दुरुस्ती की रक्षा करता है सेल्फ लव है जहां, खुशियां है वहां, सेल्फ लव। मन दुरुस्ती की रक्षा करता है सेल्फ लव है जहां, समृद्धि है वहां, सेल्फ लव। रियली इसका एक टेस्ट करके देखिए आप, उसकी उसकी एक मजा ही अलग है, उसका उसकी एक खुशी ही अलग है। और सेल्फ लव में करना क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। नाउ वी विल गिव स्पेस टू भगवान अंकल, बी विद लेट्स बी विद भगवान अंकल, एंड आफ्टर विद भगवान अंकल वी विल हैव 10 मिनट्स ऑफ टॉक वेयर वी विल बी शेयरिंग टिप्स दैट हाउ कैन वी जस्ट हैव मोर ऑफ सेल्फ लव। वी विल हैव 10 मिनट्स ऑफ टॉक एंड वी विल हैव 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन हाउ कैन वी गो विद इन टू नो अवर सेल्फ। वट आर वी फाइनली, जब आए थे इस दुनिया में हम अकेले आए थे और जाना है। क्या आप बोलोगे पति को, मेरे साथ आजा 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 आजा, मैं जा रही हूँ, आजा 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 आजा। क्या पत्नी को बोलोगे, आजा आजा मैं जा रही हूँ, आजा आजा। वी कैन नॉट, नोबडी इज गोइंग टू टेल कि तुम वो जाओ बाबा, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। जाना भी अकेले ही है, आना ही आए भी अकेले हैं, जाना भी अकेले हैं, तो क्यों नहीं हम सबसे पहले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज नोबडी देन यू। यू नीड्स यू, यू नीड यू, यू नीड यू, एंड यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, देन वाई टू निग्लेक्ट अवर सेल्फ। आप सबके साथ करो, सबके साथ रिश्ता रखो, सबकी सेवा भी करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद की पहले सेवा खुद करो। खुद के अंदर, अपने भीतर जाके खुद के लिए समय निकालो, अंदर भीतर जाओ, खुद को जानो, खुद को प्यार दो, उसके बाद दूसरों को प्यार दो। जब मेरा ग्लास खाली रहेगा, मैं क्या दूसरों को प्यार दूंगी, फिर मुझे शिकायत ही शिकायत रहेगी, है कि नहीं? सो ओवर टू भगवान अंकल, थैंक यू, एंड यस भगवान अंकल। What a wonderful awakening Shreya ji has given. That's a true fact. कलर स्कीम देखो, यहाँ पे कोई कपड़े सिलेक्ट करने जा रहे हैं। दो मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, बड़े मुस्कुराते प्रफुल्लित चेहरे के साथ, हो सके तो बैक सपोर्ट न लें, और अपनी आती जाती श्वासों से जुड़े। हम अपने अंदर श्वासों द्वारा ही जा सकते हैं। जितना हम अपने श्वासों से जुड़ेंगे, हमारे श्वास अंदर जाएंगे, हम अपने मन की परिस्थिति को अच्छी तरह परख सकेंगे, उसमें चेंज भी ला सकेंगे।
सच्चा जीवन अपने अंदर ही है, सच्चा सुख भी अपने अंदर ही है। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूरा ध्यान नॉस्ट्रिल के ऊपर। हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्राण है, मगर हम उस प्राणों से जुड़े नहीं हैं। उस प्राणों से दोस्ती करें, उस प्राणों से बातें करें, उस प्राणों का शुक्राना करें, और उस प्राणों द्वारा ही हम अंदर जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। बड़े मुस्कुराते प्रफुल्लचर्य के साथ अपने नैनो को खोलेंगे और लेट अस प्रैक्टिस फ्यू लाफ्टर। अभी बच्चे बन जाना है, भूल जाना है कि मैं क्या हूँ, कौन सा पोजीशन है, क्या मेरा रिलेशन है, कुछ नहीं याद रखना, मैं बच्चा हूँ बस। सच्चा जीवन बच्चा का जीवन है। All is well. All is well. बोलो All is well. मेरे जीवन में बढ़िया, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया है तो हंसे। तो हंसेगा उसका और बढ़िया हो जाएगा। और जो अपने अपना स्क्रीन को खोलेगा उसका तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। जो अपना स्क्रीन खोलता है उसको आधा मिलेगा। स्क्रीन खोलो, कोई पैसा खर्चा नहीं है, कोई किसी को नहीं देख रहा है। We welcome new members. Welcome. It's a wonderful session. You should not miss. औरों को भी लेके आए हैं, कितनी अच्छी सेवा दे रहे हैं श्रेया जी, उसका शुक्राना करें। So welcome laughter. नमस्कार। 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 आपके घर में कोई मेहमान आया है तो खाली मत बोलो आओ आओ आइए, आइए नहीं बोलो, हंस के बोलो वेलकम। आप आए बाहर आ गई हो, आप आए पॉजिटिविटी आ गई। थोड़ी मेहमान की सारा करो, मेहमान खुश होके जाएगा। हंसने से कितनी अंदर की खुशियां, परमात्मा ने बहुत सबको खुशियां दी है, मगर सलाह दी है उसको जगाओ, आप भी खुश रहो, पहले अपने को खुश फिर औरों को खुश कर सकते हैं। इसके लिए हमें नए नए तरीके से हंसना है, नए नए तरीके से अपने जीवन को जीना है, जो रूटीन है उसमें चेंज लाना है। चेंज लाना बहुत जरूरी है जीवन में। इसके लिए चलो श्रेया जी बहुत अच्छा कराते हैं। आई एम चेंज, हाथ को एकदम फ्री रखो, आई बोलते जाओ साथ में, आई एम चेंजिंग, चेंजिंग इज वेरी नेसेसरी। आई एम चेंजिंग, फन टू चेंज, इट्स फन टू चेंज, इट्स इजी टू चेंज, चेंजिंग, आई एम चेंजिंग, टोटली चेंजिंग। अपने को चेंज करो, जो करते हो उसको अलग तरीके से करो। बहुत मजा है, थोड़ा चलाओ सब लोग, सबको शेक करो, जितना बॉडी को शेक करेंगे आपका सारी पुरानी आदतें निकलेंगी। तबला बजाओ, आई एम चेंजिंग, आई एम चेंजिंग, इट्स फन टू चेंज, इट्स इजी टू चेंज, सब कुछ चेंज होता रहता है, हमारा ख्याल हमारा आदत चेंज नहीं होता, उसमें चेंजेस लाओ। अपने अंदर एक चेंज लाएंगे, बाहर 10 चीज 100 चीज चेंज हो जाएंगे। बाहर मेहनत नहीं करो, अंदर में मेहनत करो।
अपने विचार पे मेहनत करो, अपने शब्दों पे मेहनत, अपने फीलिंग के पे ऊपर मेहनत, अंदर सारा दिन खुशियों वाली फीलिंग क्रिएट करो, आपको मल्टीपल खुशियां आएंगी। तो अंदर ज्यादा ध्यान दो, इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, सदा सुखी, बाहर मुखी कभी कभी सुखी, दुखी ही दुखी। अपने को सुखी करने अंदर जाओ, अंतर्मुखी बनो, सारा ध्यान अपने ऊपर बाहर रखेंगे, बहुत बेसिक, ज्यादा अपने ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, जिसके लिए परमात्मा ने भेजा है उसके ऊपर, फिर देखो मजा ही मजा है। जो हंसता नहीं है अपने को सजा देता है, क्यों सजा देवे। कोई भी कारण नहीं, हंसो नाचो। आंखें बंद करके फील करो, कितना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है, सारे टॉक्सिक्स निकलते हैं, हमारे हर बॉडी के सेल में एक फ्रेश एनर्जी, एक नया ऑक्सीजन पहुंचता है, और जब हम हंसते हैं वो टाइम हमारा एक्सेलेशन बढ़ जाता है, तो सारी शरीर की सिकनेस वीकनेस बाहर निकल जाती है, हमारे सारे ग्लैंड्स खुलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सब खुल जाते हैं, आपकी हेल्थ में बड़ा फर्क आएगा। सारा दिन हंसो, दो तीन सेंटेंस बोलो फिर हंसो। श्रिया जी कितना हर बात के बाद हंसते ही रहते हैं। कोई <पाई? laughs> जब भी आप टाइम देखो फिर हंसो। और 7:20 हो गए, श्रिया जी का क्लास का टाइम हो गया। अभी आप कहाँ लेट पहुंचे हैं, तो पैनिक नहीं होने का, बोलो कोई बात नहीं। जितनी बार टाइम देखो आप हंसो, कोई आपसे टाइम पूछे बोलो टाइम बताऊंगी मगर बाद में हंसना पड़ेगा, उसको टाइम बता कहते। घर में छोटी छोटी एक्टिविटीज में आप हंसी जोड़ दो, मजा ही मजा है। आप हाथ धोते हो ऐसा नल खोलो। ठंडा ठंडा पानी, मेरे घर में पानी आता है, थैंक यू गॉड। पार्टी, थैंक यू बारिश, ग्रेटिट्यूड करो, सबका शुक्राना। शुक्राना और मुस्कुराना, एक जीवन में वचन ले लो। जो हंसता है उसको परमात्मा मल्टीपल भेजता है। ओ ऐसे घर में जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें हंसी डालो, बाल बनाते हो हंसो। एयरिंग चेंज करते डायमंड का, हंसते नहीं। थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू एम्प्लॉयर फॉर गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल एयरिंग। शुक्राना करो, शुक्राना करो, बहुत अच्छे हैं हम। रात को क्रीम लगाते हो, अच्छा लग रहा है, मेरा सारा दिन बहुत बढ़िया गया। ओ इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, खाली हमें मन में एक भावना रखनी है कि अभी बाकी का जीवन हंसते हुए हंसाते हुए गुजारना है। सबसे अच्छा है टेलीफोन लाफ्टर। सब लोग ऐसे मोबाइल पकड़ो, जब भी मोबाइल पे बात करो दो चीज नहीं लाओ जीव में, वॉकिंग करते हुए बात करो, हंसते हुए बात करो। नंबर वन, आपको वॉक करते हुए हमेशा बात करना है, बैठ के बात नहीं करना है, नहीं तो किलोग्राम बढ़ जाएगा। नंबर टू, बीच में जरूर हंसने की कुछ बात करनी है सामने वाले से,
पूरी टॉक अलग हो जाती है, पूरा एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे भी बात करो उसको बोलो जब तक आप नहीं हंसेंगे मैं फोन बंद नहीं करूंगी। सामने वाले को हंसाओ, वो धीरे धीरे हंसेंगी, बोलो नहीं 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 जोर से हंसना पड़ेगा, ज्यादा हंसना पड़ेगा, नहीं तो मैं फोन बंद नहीं करूंगी। तो सोनिया जी का 25-30 फोन रोज आता होगा, तो 25-30 बार आप हंसेंगे, 25-30 बार सामने वाले को हंसेगा, उससे बड़ी सेवा क्या है। मैं तो अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, उसमें भी पहले हंसता हूँ, फिर अपना मैसेज भेजता हूँ, फिर एंड में फिर हंसता हूँ। देखो यही हंसना है, हंसाना है, यही जीवन है। अभी समय होने को आया, मैं आपको अभी हम एक दो हमेशा ना ये अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड हंसते हुए करना है। ग्रेटिट्यूड लिखो, जो जीवन में है वो लिखो नोटबुक में, और जो चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में रिपीट करो। चलो, आई एम ओशन ऑफ लव, आई एम मेरे अंदर प्यार का सागर है। अंदर से प्यार करो, अंदर से प्यार निकालो, अंदर से प्यार सबको दो। myself पहले, पहले अपने को प्यार करो ऐसे करके। थैंक यू myself, थैंक यू my body, I love everybody, I love everything, I love everywhere. I love without expectation. वापसी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार दो फिर प्यार लो। ये गाना है ना, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो। पहले प्यार फिर बात फिर काम। जब भी किसी के साथ अंदर से प्यार हो तो ही बात करो। आई लव दिस मच, नो 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 नो, आई लव दिस मच, नो 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 नो, आई लव अनलिमिटेड, आई लव एवरीबॉडी, ओ I love, love, love on the air. Thank you, thank you, thank you. I love you all. Love you, love you, love you. And let's sing a song about that change. The change, change. I'm ready to change. Change. Change, I love to change. Thank you. And let us close our eyes and just absorb all these energies. Taking a deep breath in. And just close your eyes. Be with your breath.
Be with your breath. आपके साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ साथ हम भीतर चले जाएंगे। हर एक सांस एक माध्यम है हमें अपने आप के साथ जोड़ने की। हर एक सांस एक माध्यम है हमें भीतर ले जाने के लिए, एक वाहन है। तो जैसे जैसे आप गहरी सांस ले रहे हैं, आपका पूरा ध्यान आपके नेवल पे है, आपका पेट बलून की तरह फूंक रहा है जैसे आप सांस ले रहे हो, और जैसे ही सांस छोड़ते हो, जैसे फुग्गे में से हवा निकल रही है, वैसे पूरा शून्य हो रहा है भीतर। And absorb this silence. Absorb this silence. और जैसे हम भीतर ही भीतर जा रहे हैं, भीतर ही भीतर, और वैसे हम अपने आप को पूछ रहे हैं, Who am I? मैं कौन हूँ? मेरी असली पहचान क्या है? Am I just a daughter? मैं सिर्फ एक बेटी हूं या एक बेटा हूं? मैं क्या सिर्फ एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हूं? मैं क्या एक पति या पत्नी हूं? क्या मैं एक बहू या दामाद हूं? क्या एक माता या पिता हूं, दादा या दादी हूं? Who am I? मैं कौन हूँ? और मेरी असली पहचान क्या है? आई एम द सोर्स एनर्जी, I am that I am.
जैसे हम अपने आप के साथ जुड़ रहे हैं इस क्षण में परम शांति का अनुभव हो रहा है। परम आनंद का अनुभव हो रहा है। आई एम लव। आई एम ब्लिस। आई एम जॉय। I am energy. I am that I am. I am that I am. I am in this moment here and now. I am this moment. और यही मेरा सच्चा खजाना है। यहां पर ही मेरी खुशियों का खजाना है। कोई बाहर वाला मुझे खुशी नहीं दे सकता। माई वननेस विथ दिस सोर्स एनर्जी creates oneness outside. जितना मेरा अपने आप के साथ रिश्ता एक मजबूत रिश्ता है, उतना ही बाहर लोगों के साथ मेरा मजबूत रिश्ता है। वहां पर मुझे प्यार की भूख नहीं मांगनी है, भीख मांगनी नहीं है, प्यार के लिए तड़पना नहीं है, भूखा नहीं बैठना है। I am love. I am love. I am love. सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से कर रही हूं। सबसे ज्यादा प्यार मेरा अपने आप के साथ है। और यही प्रेम मेरा खजाना है। यही प्रेम मेरा खजाना है। अभी से मैं लोगों को ये नहीं कहूंगी कि आई नीड यू, बट आई विल चूज देम दैट आई चूज यू। आई हैव अ चॉइस और मैं उनको पसंद करूंगी। मैं लोगों को अभी से वो नहीं कहूंगी कि यू मेक मी कंप्लीट, बल्कि मैं ये कहूंगी कि आई एम इन लव विथ माई सेल्फ एंड आई एम परफेक्ट होल एंड कंप्लीट।
just the way I am. I am perfect, whole and complete, just the way I am. And I love myself, just the way I am. I love myself, just the way I am. मैं अपने भीतर अपने बच्चे से जुड़ के मैं कहूंगी कि हाँ मेरे बच्चे, यू आर माई वर्ल्ड. द चाइल्ड इन साइड मी, उसके साथ जुड़ जाऊंगी और उस बच्चे को कहूंगी, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड. अपने बचपन की वो छवि को याद करो और बचपन की अपने उस इमेज को याद करते हुए उस इमेज के साथ जुड़ जाओ और इस बच्चे को कहो, यू आर माई वर्ल्ड, यू मेक मी फील कंप्लीट. व्हेन आई एम कनेक्टेड विथ यू, यू मेक मी फील कंप्लीट. जब मेरे बच्चे, अपने भीतर बसे हुए बच्चे को हम बताएंगे कि मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे जुड़ जाती हूँ उस समय पे आई फील कंप्लीट, I feel fulfilled. You are my world. You are my world. You are my world. हमें प्यार के लिए किसी और पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. You are my world. You are my world. You are my world. You need you. और हमें इस तरह से अपने आप के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है. लविंग माई सेल्फ, लविंग द यूनिवर्स, लविंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, लविंग माई सेल्फ, लविंग द यूनिवर्स, लविंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. आई एम सेफ एंड सिक्योर. I am at peace with life. I am safe and secure. I am at peace with life. Loving myself, loving the universe, loving the process of life, loving the process of life. I am safe and secure. Life is beautiful now. Beautiful now. Life is beautiful now. अपने आप को प्यार करते हुए, अपने आप को हग करते हुए, let us slowly come back to this space and open your eyes. And slowly you can come back to the space. Nourish spotlight remove. And let me see everyone. So thank you, all of you. Thank you. And let's sing once again. Loving myself, loving the universe, loving the process of life. Loving myself, loving the universe, loving the process of life. I'm safe and secure. Life is beautiful now. Life is beautiful now. Life is beautiful now. And life is beautiful. Life is really, really beautiful. Waiting for all of us to meet. कितना एक 5 या 10 मिनट हमने आंखें बंद करके सब हमारे भीतर गए, कितना एक सुकून मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है, isn't it? और यही तो शांति की खोज में हम सब जगह पे प्यार की भीख मांग रहे हैं, यही प्यार की भीख बाहर मांग रहे हैं. जबकि प्यार का, जैसे भगवान अंकल कहते हैं, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ लव, वो समंदर तो पूरा मेरे भीतर है, मैं क्यों बाहर से भीख मांगू प्यार की. तो बहुत हो गया, दे दे प्यार, दे जाने दो, अभी जाने दो, जाने दो, आने दो. और हम खुद को प्यार करेंगे, है ना. I'm good. I love myself. I love you so. You love me so. You know, अपने आप को मिरर में देखते हुए, you can sing this song that I love you so. I love myself. I love and approve myself.
फैमिली, डाडी डाडी डा, डाडी डाडी डा, डाडी डाडी डा, डाडी डाडी डा, आई लव यू सो, यू लव मी सो, वी आर हैप्पी फैमिली, वी आर हैप्पी फैमिली। इस तरह से गाना गाते हुए, मुस्कुराते हुए, मिरर में भी, जब भी हम बार बार, जितने भी बार वॉशरूम जाए, आप अपने आप के साथ बात कीजिए, आईने में अपने आप के साथ बात कीजिए, अपने आप को प्रेम बांटिए, अपने आप को प्रेम कीजिए। जो आपकी पसंद की चीज है वो दिन में कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए कम से कम कीजिए। गाइए, मुस्कुराइए, डांस कीजिए, पोएट्री लिखिए, नेचर के साथ बातें कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 5-10 मिनट, तो कितना भी बिजी शेड्यूल हो, 5-10 मिनट तो हम अपने आप को जरूर दे सकते हैं। जस्ट इट जस्ट नीड्स एन इंटेंशन। तो जैसे जैसे हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, अपने आप सारे रिश्तों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कल से हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, 5 दिन का लाइफ लव्स मी जर्नी, वेरी वेरी पावरफुल जर्नी। कई लोगों ने यहाँ पे किया हुआ भी है, कई लोग नए हैं। कल पहला दिन है, फ्री सेशन है। कल 7 बजे, हम सैटरडे इंडिया टाइम के हिसाब से 7 बजे फ्री सेशन है लाइफ लव्स मी का, यू ऑल कैन ज्वाइन। उसके लिंक मैं भेजूंगी ग्रुप में। और उसके बाद सोमवार से गुरुवार वो पेड सेशन रहेगा, ये उसका टाइम हम बाद में नक्की करेंगे, इवनिंग में ही टाइम रहेगा। बट जितने भी लोग यहाँ पर है, यहाँ पर जरूर 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 जुड़िए, क्योंकि उसके द्वारा हम बहुत गहराई में चर्चा कर सकते हैं कि व्हाट इज सेल्फ लव, और कहाँ हमारी कमी रह जाती है, और किस तरह से थोड़े छोटे माइंड में छोटे छोटे चेंजेस लाने से जिंदगी में कितने बदलाव आ सकते हैं। उसके बारे में ये जो पूरी जर्नी है सेल्फ लव की, 5 दिन की। और उसके बाद अगले वीकेंड को हमारा वर्कशॉप है, 2 दिन का फिजिकल वर्कशॉप। कौन सा वाला है? हील योर लाइफ वर्कशॉप, जो लुईस हे ने डिजाइन किया हुआ है, एंड इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल, वेरी पावरफुल, पावर पैक्ड 2 दिन का फिजिकल वर्कशॉप है। प्लीज जरूर 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 उसको अटेंड कीजिए, मस्ट मिस मत कीजिए। और उसके बारे में अगले शुक्रवार को भी हम बातें करेंगे, लेकिन जो लोग बम्बई में है, जिनके लिए पॉसिबल है, प्लीज जुड़ जाइए हील योर लाइफ के 2 दिन की वो वर्कशॉप के लिए। और कल आप सब लोगों को वापस मिलेंगे, हम सब मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड लाइफ लव्स यू। एंड थैंक क्या यू श्रिया, स्वीट लाइफ, लाइफ लव्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव थैंक यू जिंदगी, यू श्रिया, लव यू जिंदगी। आई वांट यू टू सिंग दैट सॉन्ग फॉर यू एवरीबॉडी, थैंक यू, यस प्लीज सिंग, Rako Sumrik, sing, sing, sing that song. You sing, love you sing. Zindagi, love you, 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 अंदर से जाने दो, अंदर से कचरा जाने दो, आने दो, आने दो, अंदर से कचरे को जाने दो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो उसका लिंक, यूट्यूब का रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में भेजूंगी, और उसकी लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों इसका फायदा ले सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू श्रेया, लव यू, थैंक यू, थैंक यू।